प्यारे बच्चों, आपको वर्कशीट कितना समझ आता है इससे रिलेटेड मैं हर वर्कशीट में आपको प्रश्न पूछता हूँ। पिछली वर्कशीट में सही जवाब देने वाले 3 ही बच्चे थे। उनमें से पहली लड़की का नाम है आसियाना, दूसरी है संजना और तीसरा है सचिन। तो इन तीनों बच्चों के बिल्कुल सही जवाब है। आप भी वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें समझें ताकि आप भी सही जवाब दे पाओ। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 44 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में ऐसे ऐसे नाटक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, पिछली वर्कशीट में देखा कि मोहन बड़ा परेशान है, पेट में ऐसे ऐसे हुआ है जिसके कारण उसने अपनी हालत उसकी बहुत ख़राब है, लेटा हुआ है। पिताजी ने बैद जी को बुलाया है और बैद जी जब तक आते हैं इससे पहले उनकी पड़ोसी दीनानाथ जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर आपस में उनकी बातें होती हैं और मोहन की शरारतों को सब लोग बखान करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। मोहन तेज़ी से कराह कर अरे रे रे ओह, जैसे छोटे बच्चे जब उन्हें चोट लगती है या प्रॉब्लम होती है तो जिस तरीके से उनका रिएक्शन होता है उसी तरीके से यहाँ पर मोहन रिएक्ट कर रहा है। माँ घबराते हुए बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? तो मोहन रुआसा यानी कि रोते हुए बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। समझ नहीं आ रहा माँ को, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे सवाल माँ पूछने लग जाती है क्योंकि माँ को भी समझ नहीं आ रहा कि इसका जो ऐसे ऐसे की बीमारी है वो क्या है, कहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से दर्द हो रहा है। चलिए तो मोहन सिर्फ ऐसे ऐसे बताता है। मोहन फिर से कहता है ऐसे ऐसे और पेट दबाता है कि पेट दबाते हुए कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। इतनी देर में हमारे बैद जी भी आ जाते हैं और जैसे कि आपको बताया कि बैद जी क्या करते हैं, डॉक्टर और वैद्य में फ़र्क है। वैद्य जी जड़ी बूटियों से पीस करके दवा बनाते हैं, दवा पिलाते हैं और डॉक्टर लोग कैप्सूल दवाई खिलाते हैं। वैद्य जी आ जाते हैं तो वैद्य जी पूछते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। तो पहले पूछते हैं कि मोहन कहाँ है, फिर सभी को जय राम जी की, राम राम, सब हालचाल पूछते हैं। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? तो क्या पूछते हैं कि क्या आपका खेलने से मन भर गया? क्योंकि छोटे बच्चे बीमार कब होते हैं, जब वो खेलते नहीं हैं, और जब खेलते खेलते हैं तो उनकी बीमारी बहुत दूर भाग जाती है। कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी जब बच्चे उधम मचाते हैं, जब बच्चे चारपाई में कूदते हैं, जब बच्चे सोफे वगैरह में नाचते रहते हैं, पूरे घर को सर पे उठा लेते हैं, तो अक्सर उनके लिए वर्ड यूज होता है धमा चौकड़ी। और आपके घर वाले भी ज़रूर आपको कहते होंगे कि ये धमा चौकड़ी करता है करती है। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके घर वाले आपको धमा चौकड़ी मचाने के लिए कब कहते हैं कि धमा चौकड़ी करता है या करती है। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, बैद जी मोहन जी के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो बैद जी आए हैं, सबको पहले राम राम करते हैं, फिर मोहन से हालचाल पूछते हैं और सबसे पहले मोहन को कहते हैं कि भाई शरारतें बहुत करता है। एक्चुअली मोहन की जो शरारतें हैं ना, मोहन की शरारतें वो बहुत दूर दूर तक प्रचलित हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का, पिछली वर्कशीट में बच्चों ने कहा कि भाई जो प्रश्न हैं वो लिखवाए जाएँ हमें। तो चलिए, मैं आज आपके लिए लिखवा के लेके आया हूँ आपकी सुविधा के लिए। हालांकि कुछ बच्चों ने कहा कि हमें बोल करके बहुत अच्छा लग रहा था कि लिखने में लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों ने लिखने के लिए कहा, तो चलिए लिखवा देता हूँ। तो पहला सवाल है, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में किस प्रकार बताता है? इसका आंसर लिखोगे, माँ को मोहन अपनी बीमारी के बारे में रोते हुए, चिल्लाते हुए और पेट दबाकर बताता है। पेट को दबाता है कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। दूसरा सवाल है, मोहन पेट क्यों दबाता है? आखिर में हम मोहन जो है वो पेट क्यों दबा रहा है? पेट मोहन के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है, दर्द हो रहा है,
इसी दर्द को दिखाने और अभिव्यक्त करने के लिए मोहन अपना पेट दबाता है और अपनी माँ को बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। बैजी ने मोहन के घर पर पहुँचते ही क्या किया, तो सबसे पहले राम राम किया। बैजी ने मोहन के घर पहुँचते ही सबसे पहले राम राम कहा, सभी को हालचाल पूछे। उसके बाद मोहन से उसकी बीमारी के बारे में कुछ पूछताछ करने लगे कि भाई कहीं तुमने धमा चौकड़ी मचाई है या खेलने से जी भर गया हो, इस तरीके से कुछ सवाल पूछते हैं बैजी, ताकि मोहन कंफर्टेबल हो जाए और वो उनसे कुछ बातें बातें करने लग जाए, तो उसके बाद वो अपनी दवाई ट्रीटमेंट ठीक से कर सकते। तो ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल देखते हैं। चलिए चौथा सवाल है, गद्यांश में कुछ संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ संज्ञा शब्द आए हैं गद्यांश में, इनमें से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को आपको छान करके लिखना है। तो कुछ जातिवाचक है, कुछ व्यक्तिवाचक है। अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में दो लाइन खींचेंगे, एक जगह लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जगह लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पूरा लिखेंगे। और ये देखो यहाँ पर जैसे इन्होंने लिखा, तो कॉलम में देखो एक जगह व्यक्तिवाचक लिखेंगे और दूसरी जगह यहाँ पर जातिवाचक लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से व्यक्तिवाचक हैं और कौन कौन से जातिवाचक हैं। तो देखिए आप नोट करते जाइए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक की बात करें तो यहाँ पर जो मोहन है वो आपका व्यक्तिवाचक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे, और इसी के साथ ही आपका पेट भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और जातिवाचक देखिए तो यहाँ पर जातिवाचक क्या होगा, कुर्सी जातिवाचक है, वैद्य जी जातिवाचक है, इसी के साथ ही बेटा, बेटा आपका जातिवाचक है, देखो माँ जातिवाचक है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ व्यक्तिवाचक शब्द हैं और कुछ जातिवाचक शब्द हैं। उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आपके लिए, मोहन की माँ कब घबरा जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे, मोहन के पेट में बहुत दर्द है, ठीक है। जब बच्चों की दर्द होता है तो माँ घबरा जाती है, लेकिन दर्द का कारण पता नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा घबराने वाली बात है कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, इस ऐसे ऐसे का किसी को कुछ पता नहीं कि ऐसे ऐसे क्या है, इसीलिए माँ घबरा जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है आपके लिए। तो पहली एक्टिविटी है आपके अनुसार बैज जी का क्या कार्य होता है, अनुमान लगाकर सोचकर लिखेंगे। मेरे अनुसार बैज जी देसी जड़ी बूटी देकर बीमारी को दूर भगा दिया करते हैं। तो बैज जी का क्या काम होता है, दवाई इलाज करना, बीमारी को दूर करना, और बैज जी होते कौन है। तो बैज जी होते हैं जो जड़ी बूटी पीस करके वो हमें दवाई देते हैं और हमारी बीमारी को दूर करते हैं। अगली गतिविधि है आपके अनुसार आपके घरों में धमा चौकड़ी शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोच करके लिखें। तो जब हम किसी काम को उल्टा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तब उसे धमा चौकड़ी कहते हैं। हमारे घरों में जब बच्चे बहुत उछल कूद मचाते हैं, बिस्तर सोफे में नाचते रहते हैं, तब हमारे घर के बड़े लोग हमें इस तरह कहते हैं कि भाई क्या धमा चौकड़ी मचा रहा है। तो ये है आज की वर्कशीट, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं कि जो आंसर मैंने आपको लिखवा करके दिए हैं वो आपको अच्छे लगे, या मैं आपको फिर से बोल करके लिखवाऊं, दोनों में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।